थाना सफेदों में, जहां उपमंडल के एक गांव में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने की वजह से मौत हो गई है। यहां हम उनके पिता से जानना चाहेंगे कि ये क्या घटना है, क्या मामला है, इस बारे में ज़रा पूरा विस्तार से बताइए। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह जी। ये जो युवती संदिग्ध परिस्थितियों में जली है, जल के जिसकी मृत्यु हुई है, आप क्या लगते हैं उसके पिताजी? तो आप बताइए क्या घटना है, ये क्या मामला है? ये एक षड्यंत्र के तहत जला के मारा जी। अच्छा, हाँ जी, पूरी घटना बताइए, क्या क्या मामला है ये पूरा? ये मामला, हमने 3 महीने पहले शादी की थी जी, और शादी में जितना हमारा दोस्त था, जितना हमारा गुंजाइश थी, उससे बढ़ चढ़ कर हमने इसको उनको दिया, लेकिन ये दहेज के चक्कर में और इन्होंने जला कर षड्यंत्र के तहत मारी जी। तो आपकी इसकी सूचना कब मिली? हमें 3:30 बजे सरपंच के द्वारा मिली जी। गांव के सरपंच ने सूचना दी आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या बताया उसने आपको? भाई ऐसे ऐसे आपकी लड़की जलने का उसने भी नहीं बताया, बोला दिक्कत है जी। जब हम आए, किसी दूसरे आदमी को पता लगा, भाई ऐसे ऐसे देखा तो मौके पर वहाँ पर ऐसे हालात थे कि ये किसी षड्यंत्र के तहत जलाया गया जी। तो आपका आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी बेटी को जला के मारा? हाँ, जला के मारा जी। तो इसमें आप किस किस को आरोपी मानते हो? आरोपी इसमें पूरा परिवार है इनका जी। इसमें इसकी तीन नंद है और इसका घरवाला है, इसके माँ बाप है। तो अब आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से मांग है जी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इनको जी, और कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती, नहीं होगी, तो हर बाप का विश्वास उठ जाएगा बेटी से। संसार क्रांति से बात करें। धन्यवाद। मैं सफेदों से, संसार क्रांति से हरीश कपूर।